मोदी सरकार के सबसे हिट और सक्सेसफुल मंत्री माने जाते हैं नितिन गडकरी। सक्सेसफुल का रेट इतना अच्छा है कि 10 साल में तीसरी सरकार में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय रिटर्न किया हुआ है। अच्छी सड़कों का जाल बिछाने, सरकार का पैसा बचाने और टिकाऊ ट्रांसफॉर्मेशन का फोकस करके काम करते हैं। खूब बड़ाई पाते हैं, विपक्ष वाले भी गडकरी पर उंगली नहीं उठाते, फिर भी पार्टी और सरकार में किनारे माने जाते हैं। मंगलवार को नितिन गडकरी उद्योगपति के संस्था फिक्की में भाषण दे रहे थे। आपको ये भी बता रहे थे, उसी में बता रहे थे स्टेनलेस स्टील पुल और सड़कें बनाने का क्या फायदा होगा। समझाते समझाते बोल गए उस विवाद पर, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी के गले में हड्डी की तरह फंस गया है। कहा गया कि अगर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल होता तो वो कभी नहीं गिरती वो प्रतिमा। नितिन गडकरी का बयान सुनिए। उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा देके बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगा रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की भक्ति के लिए 35 फीट की मूर्ति बनवाई थी। वो मूर्ति भी समंदर किनारे लगाई गई थी। 4 दिसंबर को प्रतिमा का अनावरण किया गया, 26 अगस्त को मतलब 8 महीने में गिरकर चूर चूर हो गई। पीएम मोदी, सीएम शिंदे ने सिर झुकाकर माफी मांग ली। फिर भी मूर्ति का गिरना शिवाजी का अपमान का मुद्दा बन गया और बीजेपी के हाथ पैर फूले हुए हैं, कैसे इससे पिंड कैसे छुड़ाया जाए। इस घटना पर अब नितिन गडकरी भी बयान दे दिए। उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा देके बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगा रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। अब तक रिपोर्टिंग के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि शिवाजी की मूर्ति बनाने में स्टील का भी इस्तेमाल हुआ था, फिर भी ये मूर्ति गिर गई। पीडब्ल्यूडी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि नट वोल्ट में जंग लगने की वजह से ये मूर्ति गिरी। शिवाजी को मूर्ति बनाने में महाराष्ट्र सरकार, नौसेना, प्राइवेट डिजाइनर, प्राइवेट कंसल्टेंट शामिल रहे। दावा किया जा रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चली, इस वजह से मूर्ति गिर गया। अलग अलग लेवल पर करप्शन और लापरवाही का भी दावा हो रहा है। मिट्टी का मॉडल बनाकर अप्रूवल लिया गया, 6 फुट की मूर्ति 35 फुट बन गई। अप्रूवल किसी को देना था या अप्रूवल किसी को नहीं देना था, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी की मूर्ति का गिरना कई सारे प्रतीक दे रहे हैं, क्योंकि इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र की राजनीति शिवाजी के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी की मूर्ति का अपमान से बीजेपी पिंड कैसे छुड़ा पाती है। क्या महाराष्ट्र के जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, यह शिवाजी की मूर्ति को ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार या फिर मिलीभगत के लिए वोट पर इसका असर बीजेपी पर, एनडीए पर डालती है, या फिर ये एक अलग बहाना और राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।